फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास टेंथ या ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यह क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमको बताइए कि हमारा बोर्ड एग्जाम कब होगा, मई के लास्ट में बोर्ड एग्जाम होगा कि जून के लास्ट में होगा, कब तक हमारा टाइम टेबल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आई है जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास टेंथ या ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, इस बार आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जून के अंत तक होगी आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपकी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुआ जून के अंत तक होगी, यह अमर उजाला न्यूज पेपर में दिया गया था। जो आज का न्यूज पेपर था उसमें यह हेडलाइन दी गई थी। तो चलिए जानते हैं कि पूरी न्यूज क्या है, क्या डिटेल्स दिया गया है, चलिए हम जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए पूरी न्यूज़ जान लेते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा अब जून के अंत तक आयोजित हो सकेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र माध्यमिक शिक्षा विभाग CBSE के तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं कराने का विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर लिखा गया है कि जिस तरह से CBSE में क्लास टेंथ की जो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्लास ट्वेल्थ का केवल एग्ज़ाम होगा, तो उसी तरह से अब जो है कि यूपी बोर्ड में भी क्लास टेंथ की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। उसमें उसी तरह से जो है कि छात्रों को नंबर दे दिया जाएगा और केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी यह अपडेट है कि अब क्लास टेंथ की परीक्षा नहीं होगी, उसमें छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, छात्रों को उसी तरह से प्रीवियस ईयर के नंबर के आधार पर नंबर दे दिया जाएगा, जिस तरह से CBSE में किया गया है, सेम टू सेम वैसे ही अब यूपी बोर्ड में किया जाएगा। और आगे न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंजूरी ली जाएगी। अगर वह कहेंगे कि छात्रों को जो है कि प्रमोट कर दिया जाए तो क्लास टेंथ की परीक्षा नहीं होगी, और अगर कहते हैं कि वह परीक्षा होगी तो आपकी परीक्षा हो सकती है। तो उसके आगे देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने 8 मई से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की और हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करते समय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है था कि मई के प्रथम सप्ताह में अधिकारियों के साथ बैठकर बोर्ड परीक्षा को लेकर निर्णय किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के दर्जनों अधिकारियों कोरोना संक्रमित हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो है कि दर्जन मतलब 12 से ज़्यादा लोग जो है कि कोरोना संक्रमित इस समय हो गए हैं, और विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोरोना को मौजूदा स्थिति में बोर्ड परीक्षा कराना मई में संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल कन्फर्म है कि मई में आपकी बोर्ड परीक्षा कभी भी नहीं होगी। जब भी आपकी बोर्ड परीक्षा अगर विचार किया जाता है तो जून में हो सकती है या जुलाई में भी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी है, लिहाजा कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आने पर ही परीक्षा जून के अंत तक संभव हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर जून तक जो है कि कोरोना कंट्रोल हो जाता है तब जो है कि आपकी परीक्षा जून के अंत तक हो सकती है, और अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती गई तो आपकी परीक्षा जून में भी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा जुलाई में जा सकती है या अगस्त तक भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट थी जो कि आपको बताना था। यह बहुत ही बड़ी अपडेट है, अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि आपका जो बोर्ड परीक्षा है वह जून के अंत तक हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये
वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।